हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। यह है सौरभ जॉग चैनल, आपका अपना चैनल। सो वंस अगेन वी हैव अ शो क्वालिटी रॉटवाइलर। एज यू कैन से, इसका फेस हेड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये KCI रजिस्टर्ड है या नॉन KCI है। जनरली ऐसे पब्स आपको हमेशा लाइन के या चैम्पियन लाइन्स में ही मिलेंगे। सो ये जो पपी है एग्जैक्ट आज 42 डेज का है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये लगभग अभी इसका बॉडी वेट अराउंड 9 से 10 केजी का होगा। और रॉटवाइलर की जो बेसिकली खासियत है, बहुत अच्छे गार्डिंग डॉग होते हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी करते हैं, देखने में डरावने लगते हैं, परिवार के लिए मर मिटने वाले होते हैं, परिवार में कभी हादसा नहीं करते। बहुत सारी जगह पे मिथ है कि रॉटवाइलर ने ऐसा कर दिया, रॉटवाइलर ने वैसा कर दिया, रॉटवाइलर ऐसा होता है, रॉटवाइलर वैसा होता है। सो दैट इज अनदर थिंग, बिकॉज जो भी लोग ज्ञान देते हैं ना कि रॉटवाइलर ऐसा करता है वैसा करता है, सही मामले में कभी उन्होंने जिंदगी में पोमेरियन भी पाला नहीं होता है। बट लेकिन भारत है, भारत में फ्री के सलाहकार हैं। आप इंटर करेंगे, सामने वाला हाई स्कूल भी फेल रहेगा, वो आपको ज्ञान जरूर देगा, बेटा BCom करना। मेरी मामी के फूफा का लड़का BCom+MBA किया था, तो आज वहां नौकरी कर रहा है। अब भैया वो इंटर करने वाला हो सकता है कि एक दिन MBA वालों को नौकरी दे अपने पास बैठा के। तो हम किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप इस बच्चे का भी, हालांकि मैंने उठा तो लिया एक हाथ से, बट ये उठ नहीं रहा है, आप इसके फेस को, हेड को, पॉज को इजीली देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। सो इट्स अ प्योर जर्मन लाइन रॉटवाइलर। ये जर्मन रॉटवाइलर है, ठीक है। पहले के वीडियोज में जो रॉटवाइलर स्पेशल एडिशन हमने किया था, जो आधे घंटे का वीडियो था, हम आप जरूर उस वीडियो को इससे कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं, मर्ज करके भी देख सकते हैं। उसमें हमने रॉटवाइलर की ओरिजिन बताया है, हाइट बताया है, लेंथ बताया है, बॉडी वेट बताया है, रॉटवाइलर्स के कलर्स के बारे में बताया है, इनके टेम्परमेंट के बारे में बताया है। और पहले ही के वीडियोस में हमने आपको बताया है कि ये जर्मनी की ब्रीड है, यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में जर्मनी से बेसिकली रॉटवाइलर होते हैं। जर्मनी का एक टाउन है, दैट इज रॉटवेल, तो रॉटवेल टाउन से ही रॉटवाइलर का नाम लिया गया है। रॉटवेल जो जगह है वो जर्मनी में है, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्रीशियस जगह है। और रॉटवेल की एक स्पेशलिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छे चर्चेस हैं वहाँ पे। अगर दुनिया में खूबसूरत चर्चेस की बात की जाए, तो सबसे बड़े और अच्छे शानदार चर्च रॉटवेल शहर में ही है। सो हेयर ही इज, रॉकी नाम है इस पपी का, पेपर पे भी इस पपी का नाम रॉकी है ना, रॉकी है। सो आप इस पपी का प्रॉपर कलर देख सकते हैं, टोनी फ्रेस्को की लाइन का है, पेपर पे भी टोनी फ्रेस्को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है वो पपी, एज यू कैन सी 9 से 10 केजी आराम से इसका बॉडी वेट है, मैं आपको उठा के दिखा रहा हूँ। ही इज अ मेल पपी, 5 फीट 8 इंच, इसकी फीमेल भी है, फीमेल भी है, अच्छा मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है। 5 फीट 8 इंच मेरी बॉडी हाइट है, और हाइट के हिसाब से आप देख रहे हैं, ये मेरे शोल्डर से लेकर के कमर तक ये जा रहा है पपी, है ना। सो रॉटवाइलर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक तो ये फैमिली के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया कंपेनियन होते हैं, बस इनकी हैंडलिंग थोड़ी सी अलग होती है। आप इनको नॉर्मली जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर की तरह इजीली हैंडल नहीं कर सकते, और बस प्रॉपर अगर गाइडेंस आपके पास हो तो कभी कोई मिसहैपनिंग नहीं होती, कभी कोई हादसा नहीं होता। हादसे होते हैं तो उन लोगों के साथ होते हैं जो लोग बेवकूफियां करते हैं, ये खा रहा है और आपने खाते खाते इसके बर्तन में हाथ डाल दिया। मेरे भी रॉटवाइलर्स हैं, वो खाते में हाथ डाल देता हूँ, कुछ नहीं करते, बिकॉज हमने बचपन से उनकी परवरिश इतनी अच्छी की है कि वो ऐसी कुछ मिस्टेक्स ना करें, हमने उनको सिखाया है। अभी जैसे ये बच्चा पकड़ रहा है, मैं इसे पकड़ने दे रहा हूँ, ताकि ये मेरे हाथ से, मेरे हाथ की महक से, मेरे पाम से, मेरे फिंगर से यूज्ड टू हो जाए। कभी भी फ्यूचर में अंधेरे में भी इसको मेरा हाथ लगे तो ये जोर से न दबाए, इसको पता रहे कि हाथ किसका है। अब नए लोग क्या करेंगे, ये मुंह में काटेगा, झटके से खींचेंगे, फाड़ देगा, फिर बोलेंगे रॉटवीलर था, काट लिया। अरे यार, ये बच्चा जिसका पूरा अभी पूरे पूरे दांत भी इस बच्चे के नहीं आए हैं, वो आपको काटेगा कैसे? ही कैन नॉट बाइट नाउ, ये आपको बाइट नहीं कर रहा, ये खेल रहा है। मैंने देखी पूरी उंगली इसके मुंह में दिया हुआ, इसको लग रहा है मेरे उंगलियों से दूध आएगा। So, ये उसी तरह चूस रहा है जैसे अपने माँ का निप्पल चूसता होगा। आप देखिए, ये काट नहीं रहा। अब आप लोग नए होंगे, अगर कोई नया होगा तुरंत हाथ खींचेंगे,
दांत इसकी सुई की तरह नोकीले हैं अभी, क्योंकि घिसे नहीं है अभी, ये बस मदर मिल्क पे है, ऊपर का बस स्टार्टर खा रहा है, तो दिक्कत हो जाती है, हाथ फटेगा ही फटेगा। वो आप पोमेरियन के भी मुंह में करेंगे तो भी फटेगा, लेब्रा के मुंह में भी डालेंगे तो भी फटेगा। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, शानदार है, जानदार है, दमदार है और बाप क्वालिटी है बॉस, मेरी भाषा में। मेरे फॉलोअर्स जानते हैं मेरी क्वालिटी क्या होती है, सो हियर ही इज, दिस इज द बाप क्वालिटी। इस लाइन के जो पप्स हैं, मेल की प्राइस है 45,000, फीमेल की प्राइस है 40,000 विथ पेपर पपीज़ हैं। 45,000 का मेल है, 40,000 की फीमेल है, क्योंकि ये केएसआई रजिस्टर्ड प्लस चैम्पियन लाइन है इसलिए थोड़ा सा महंगा है। हमारे पास आम दौर पे रॉटवाइलर 15,000 की फीमेल और 18 का मेल 20-25,000 रुपए में अच्छी क्वालिटी के मेल मिल जाते हैं, 25 में मेल 20 में फीमेल, और ऐसे 13-14-15,000 में भी फीमेल आपको रॉटवाइलर के हमारे यहाँ मिल जाती है। ये वाले पपीज थोड़े से महंगे हैं, थोड़े कॉस्टली हैं, सपोज दैट जस्ट बिकॉज एक तो पेपर साइड इनका बहुत स्ट्रांग है, दूसरा बच्चा खुद भी अपने आप में बहुत अल्टीमेट और स्ट्रांग है, और बहुत ज़्यादा बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप इसके फेस, इसका फेस पे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अब देखिए, हमेशा आप जब भी रॉटवाइलर को देखेंगे ना, तो इस साइड से तो पंच लगता है, बट इस साइड से मुंह निकला हुआ समझ में आता है, बट रियल बच्चा जो पंच फेस होता है या जर्मन रॉटवाइलर होता है, वो इस साइड से भी वैसा ही दिखेगा जैसा फ्रंट से दिखेगा। मैंने इसके नोज पे उंगली रखा हुआ है, माथे पे, एक इंच भी आगे नहीं है इसका मजल, सो ये बता रहा है कि हाँ बड़ा होगा तो इसका फेस दबा हुआ होगा। माथा देखिए बिल्कुल ब्रॉड है, तो कभी भी बहुत सारे ब्रीडर्स बोलते हैं अभी थोड़ा दुबला है, अभी पतला है, बड़ा होके ऐसा हो जाएगा, बड़ा होके वैसा हो जाएगा। बचपन में अगर गधा दिख रहा है डॉग, तो बड़े होके अचानक से महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं बनना है मेरे भाई। बचपन में ही अगर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, बड़े होके इसको चेतक बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत प्रैक्टिकल बात है, अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन जी के जो सुपुत्र हैं अभिषेक बच्चन जी, वो उनकी हाइट कितनी भी कम होती, कितनी भी कम होती, तो क्या 5 फीट 10 इंच से कम हो जाती? कतई नहीं, 6 फीट के ऊपर है। उनके भी जो सुपुत्र होंगे वो भी लंबे होंगे। अब मान लीजिए कोई जैसे अपने राजपाल यादव जी हैं, अगर उनका फ्यूचर में बेबी होता है तो अमिताभ बच्चन जी जैसे हाइट का नहीं होगा। मेरा जो बच्चा होगा फ्यूचर में, वो भी मेरे हाइट पे जाएगा या अपने दादाजी के हाइट पे जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट क्या उसको आप हिंदी में बोलते हैं, आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। बायोलॉजी में अगर आपने जेनेटिक्स पढ़े होंगे, सो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। तो ये जैसा बचपन में है, आप इसके मम्मी पापा का आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों में एक होंगे। सो हियर इज द पपी। हमारे पास 2 male 3 female अवेलेबल है, 45,000 का मेल, 40,000 की फीमेल, कोई नेगोशिएशन नहीं है, दिस इज द फिक्स प्राइस पपी, एक भी रुपए कम नहीं होंगे। आप कॉल करके बिल्कुल भी नेगोशिएट करने की बात मत कीजिएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल ख़राब लगता है आपकी ज़बान को खाली करना। कम रेंज में पपी चाहिए, हमारे पास 18,000, 20,000, 25,000 में भी बहुत अच्छे अच्छे रॉटवाइलर आपको मिल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद जय भारत।